नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज़। पोराखेड़ा मंदिर पर चल रही श्री भागवत के आयोजन के तीसरे दिन आचार्य श्री ओम कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा विदुर जी की कथा का प्रसंग एवं ध्रुव चरित्र का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया। उन्होंने बताया कि ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति के कहने पर तपस्या करके मात्र 7 वर्ष की आयु में भगवान नारायण की प्राप्ति की एवं मृत्यु देवी के सिर पर अपना पैर रखकर भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इस कथा को सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। आज के मुख्य यजमान आशीष जादौन, राहुल सांवरा, अनुज गुप्ता, श्रीमती दीपिका गुप्ता, श्रीमद् भागवत कथा सेवा समिति डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, ध्रुव शर्मा एडवोकेट, राजू गुप्ता, तरुण कपूर, मोहनलाल शर्मा, संजय शर्मा, सारिका सक्सेना, अशोक कुमार, मुन्ना श्रोत्रिय, पीयूष गोयल, राघवेंद्र शर्मा, भगवान सक्सेना, डॉक्टर तिलक राज, गंगा प्रसाद, राजेश आहूजा, पंकज चौहान, दुष्यंत चौहान, दीपक श्रोत्रिया, रमेश गुप्ता, सोनी ठाकुर, अरविंद ठाकुर, राहुल वर्मा, गीता देवी, संध्या देवी, मनदीप कौर, शशि शर्मा, उषा शर्मा, श्रीमती देवी मीना शर्मा, माया देवी, अवधेश शर्मा, गीता गुप्ता, ममता सिंह ठाकुर, उमा गुप्ता, उमा अग्रवाल, ज्योत्सना शर्मा, भुवनेश शर्मा, निधि शर्मा आदि उपस्थित रहे। प्रसाद की व्यवस्था अनुज गुप्ता के द्वारा की गई। आपने बंद करके उस ध्यानी का दर्शन कीजिए।